सब्सक्राइब करें एबी टेक चैनल को और पाएं एजुकेशन, जॉब एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेली न्यूज एंड अपडेट्स। क्लिक करें इस रेड बटन को, फिर क्लिक करें इस बेल आइकन को सारे नोटिफिकेशंस पाने के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल एबी टेक में और मैं हूं बजे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी की जो भर्तियाँ आई थी 2016 में, बोर्ड ने उन सभी परीक्षाओं के लिए परीक्षा तिथियां निर्धारित कर दी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी कि कब कब एग्ज़ाम होगा, किन किन डेट में एग्ज़ाम होगा, किस सब्जेक्ट का किस डेट में एग्ज़ाम हो सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये सारी चीज़ जानने को मिलेंगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले करेंगे आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि दोस्तों हम इसी तरीके के एजुकेशन से रिलेटेड, भर्ती से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल निशान दबा लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप हमारी प्लेलिस्ट में यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हम विभिन्न कैटेगरी के यहाँ वीडियोस बनाते हैं। आप देख सकते हैं माई ऑल वीडियोस करके, सरकारी नौकरी करके, यहाँ पे और भी नीचे आएंगे यूपी टेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी जॉब्स, एलटी ग्रेड भर्ती, टेक न्यूज़, सरकारी योजना, ट्रेंडिंग न्यूज, आयुष्मान भारत योजना, आर्मी स्कूल टीचर, 95,000 शिक्षक भर्ती, रेलवे भर्ती, यहाँ पे यूट्यूब टिप्स, हाई कोर्ट भर्ती, बहुत सारी हम यहाँ पे वीडियोस डाले हुए हैं। तो यहाँ पे आप हमारे चैनल पे जा करके इन वीडियोस को देख सकते हैं और अच्छे से आप अपडेट रह सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों इस वक्त हम हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर यूपी टीजीटी पीजीटी की। इस वेबसाइट पर आपको आना है तो चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके सिंपल इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही यहाँ पर नीचे आएंगे तो इम्पोर्टेंट नोटिस करके एक ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। उसके नीचे पहला ही जो लिंक है वहाँ पर दिया गया है एग्ज़ाम डेट फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2016, ठीक है, इस तरीके से लिंक दिया गया। तो जैसे दोस्तों इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो एग्ज़ाम डेट की अनाउंसमेंट एंड नोटिस है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो मैंने डाउनलोड कर लिया है तो आपको दिखा रहा हूँ ओपन करके, ठीक है। आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, आवश्यक सूचना, विज्ञापन संख्या 1/2016 प्रशिक्षित स्नातक, विज्ञापन संख्या 2/2016 प्रवक्ता संवर का विज्ञापन 5 जून 2016 को हुआ था। उपरोक्त विज्ञापन में विज्ञापित विषयों के लिखित परीक्षा की तिथि पूर्व में दिनांक 27/28/29/2018 को निश्चित की गई थी। चयन बोर्ड की विज्ञप्ति पत्रांक के आगे दिया गया है दिनांक 12 जुलाई 2018 द्वारा उक्त घोषित परीक्षा की तिथियों को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया था। चयन बोर्ड द्वारा उपरोक्त परीक्षा तिथि को निम्न प्रकार से कराए जाने का निर्णय लिया गया है। विज्ञापन 2016 की लिखित परीक्षा की तिथियां, प्रवक्ता संवर्ग तिथियां हैं 1 फरवरी 2019 दिन शुक्रवार एवं 2 फरवरी 2019 दिन शनिवार। दोस्तों ये प्रवक्ता की भर्ती है। दोस्तों ये प्रवक्ता पदों के लिए जो एग्ज़ाम होगा 1 फरवरी और 2 फरवरी 2019 को होगा। अब बात कर लेते हैं प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी का एग्ज़ाम। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रशिक्षित स्नातक मतलब टीजीटी का एग्ज़ाम, ठीक है। इसकी जो तिथियाँ हैं वो 8 मार्च 2019 दिन शुक्रवार एवं 9 मार्च 2019 दिन रविवार को दोस्तों घोषित हो चुकी हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे टीजीटी में विषय अनुसार किन किन डेट में परीक्षा हो सकती है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो इन्होंने दो दो विषयों में आवेदन किया। सपोज करो अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है, उसने पीसीएम से अगर किया हुआ है बीएससी, ठीक, तो वो यहाँ पे दो सब्जेक्ट में आवेदन कर सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी ने दो सब्जेक्ट में आवेदन किया है, उसने मैथ में भी आवेदन किया हुआ है, ठीक है, और उसने साइंस में भी आवेदन किया है, तो यहाँ पे वो दोनों परीक्षा एग्ज़ाम दे सकता है। तो दोस्तों जिन लोगों ने दो दो विषयों से फॉर्म भरा है तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आपको दोनों ही एग्ज़ाम देने को मिलेंगे, ठीक है। उसमें से एक एग्ज़ाम आपको 8 मार्च को हो जाएगा और जो दूसरे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है वो 9 मार्च को हो जाएगा। एलटी की तरह दोस्तों इसमें नहीं है, क्योंकि एलटी में पहले ही बता दिया गया था कि यहाँ पे आपको एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको दोनों सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने को मिलेंगे। सपोज करो किसी ने आर्ट साइड से किया है, उसका हिंदी लैंग्वेज भी है और हिंदी के साथ साथ अगर उसने कोई सोशल साइंस से भी अप्लाई किया हुआ, ठीक है, तो वो यहाँ पे सोशल का भी एग्ज़ाम दे पाएगा और हिंदी का भी दे पाएगा। तो इस तरीके से इसी हिसाब से यहाँ परीक्षा तिथि डिक्लेयर की गई है कि अभ्यर्थी को सारे एग्ज़ाम देने को मिलेंगे। इसी तरह
आप तैयारी करने में जुट जाइए, परीक्षा तिथियाँ घोषित हो गई हैं और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्कोरिंग करिए, ठीक है। तो दोस्तों ये अपडेट था जो आपको देना था, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें सभी को, जैसे सभी को इसकी सूचना मिल पाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।